विविधताओं से भरे भारत के लोकतंत्र में गठबंधन की राजनीति का अपना अलग महत्व रहा है, लेकिन 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में ये गठबंधन राजनीतिक शक्ति के बजाय मजबूरी बन गया था। ये वो दौर था जब ग्रैंड ओल्ड पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस के प्रभाव से मुक्त हो भारतीय राजनीति बहुआयामी परिपक्वता की ओर अग्रसर थी। लेकिन बदलाव के उस समय में विचारधारा को दरकिनार कर ऐसे गठबंधन की कई सरकार बनी जो सहयोगियों के विश्वासघात से अल्पकाल में ही गिर गई। आज के एपिसोड में चर्चा केंद्र से देवे गौड़ा सरकार की विदाई की। लोकतंत्र और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। '96 के चुनाव में कांग्रेस को जनता ने नकार दिया था, तो वही भाजपा संसद में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी थी। लेकिन किसी भी दल या गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ऐसे में कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए तीसरे मोर्चे की सरकार को समर्थन देने की घोषणा कर दी। तीसरे मोर्चे में शुमार अधिकांश दल कांग्रेस सरकार के विरोध में चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन सत्ता की अभिलाषा में उन्होंने भाजपा पर हिंदू राष्ट्रवादी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस का समर्थन स्वीकार कर लिया। इस बेमेल समझौता सरकार का चेहरा बने कर्नाटक के कदावर नेता H.D. देवे गौड़ा। प्रादेशिक छवि के कारण देवे गौड़ा भले ही तीसरे मोर्चे की पहली पसंद नहीं थे, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष नरसिम्हा राव के विश्वस्त होने से उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का चयन राजनीतिक सूझबूझ की बजाय व्यक्तिगत निष्ठा के मायने पर हुआ था। लेकिन यह कार्यकाल देवे गौड़ा के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। उनके प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के चंद माह बाद कांग्रेस में बदलाव आने लगा। गांधी परिवार एक बार फिर से कांग्रेस में सक्रिय हो रहा था और उनके समर्थन से सीताराम केसरी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने और कांग्रेस की कमान संभालते ही उन्होंने देवे गौड़ा सरकार पर दबाव बनाने की शुरुआत कर दी थी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने से रोकने की विफलता का आरोप लगाते हुए आखिर कांग्रेस ने अप्रैल 1997 में समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। कई राजनीतिक जानकारों की माने तो केसरी देवे गौड़ा से कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार की जांच से भी नाराज थे। कांग्रेस ने पहले तो तीसरे मोर्चे पर देवे गौड़ा को प्रधानमंत्री पद से हटाने का दबाव बनाया और मांग नहीं माने जाने पर समर्थन वापस ले लिया। हालांकि कांग्रेस के कई बड़े नेता जैसे शरद पवार सरकार गिराने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के फैसले के अनुसार ही कार्य किया। आखिरकार अल्पमत में आई देवे गौड़ा सरकार संसद के अंदर विश्वासमत हार गई। इस अपमान के बाद देवे गौड़ा चाहते थे कि देश भर में दोबारा संसदीय चुनाव करवाए जाए, लेकिन कांग्रेस और तीसरे मोर्चे के अन्य घटक दलों को डर था कि चुनाव होने पर भाजपा को बढ़त मिल सकती है और इसी भय ने भारतीय राजनीति के असमंजस को कुछ और समय जिंदा रखा। सियासत के गलियारों से में आज इतना ही। फिर मिलेंगे भारतीय लोकतंत्र के कुछ और स्मरणीय प्रसंगों के साथ। नमस्कार।